गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। आज हम स्टार्ट करेंगे पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़, लोकल गवर्नमेंट। अगर आपको ध्यान हो, ये टर्म हमने पहले अपनी पॉलिटिक क्लास में पढ़ चुकी है। कहाँ पढ़ी थी याद कीजिए, सारे बच्चे ज्वाइन हो जाइए। थोड़ा आज क्लास लेट हो गया, डिले हो गया। हर्षवर्धन सिंह राठौड़, जय हिंद सर, जय हिंद बेटा, जल्दी आ जाइए सारे बच्चे। पॉलिटी का ये लास्ट वीक है आपका, ठीक है। इसके बाद आपकी पूरी जो पॉलिटी है कंप्लीट हो गई है, एक प्रॉपर प्लेलिस्ट आपकी बन जाएगी। आपके रिवीजन के लिए ये जो लेक्चर सीरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लगा रहे होंगे क्वेश्चन, अगर आपने प्रॉपर लेक्चर्स देखे होंगे तो आप क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे, ठीक है। आज हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट की। लोकल गवर्नमेंट इससे पहले कहाँ पढ़ा है, अगर आपको याद हो, हमने आर्टिकल नंबर 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक डीपीएसपी था। क्या था ये? एक डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और किसके अंदर था ये? गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर। अभिषेक, सरस्वत, विकास मौर्य, अमन मौर्य, ज्वाला सिंह राजपूत, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जल्दी आ जाइए। थोड़ा क्लास में आज डिले हो गया 5-10 मिनट्स का, ठीक है, हमारे टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं। यस, आर्टिकल 40 क्या है आपका? आर्टिकल 40 में क्या था? ये एक गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर था। किसके अंदर था ये? ये एक गांधीयन प्रिंसिपल था जिसमें ये बात करी गई थी कि हम डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। आपको याद है हमने ये टर्म काफी बार पढ़ी है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, पावर को डिवाइड करना। और कहां तक डिवाइड करना? लोकल तक, ठीक है, लोकल तक पावर को डिवाइड करना। क्लियर? वट एवर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग खुशबू राणा, आ जाइए, जल्दी आ जाइए बच्चे। यस, पावर को डिवाइड करने को ही हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और पावर कहाँ तक डिवाइड करनी है? बेसिकली हमारे विलेजेस तक, ठीक है, और उनको इतनी पावर देनी है कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो पाए अपने में। इसी के मद्देनजर स्टार्ट करेंगे आज सबसे पहला टॉपिक, पंचायती राज, ठीक है। जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कौन सा स्टेट ऐसा था जिसने पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया? सब जवाब दे, ठीक है, जल्दी से सारे बच्चे बताइए। सबसे पहला स्टेट जिसने पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया, पहली बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये काफी मेंशन था आर्टिकल 40 में, डीपीएससी में, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो लोकल गवर्नमेंट तक, विलेज तक, आपके जो लोकल लेवल तक है वहां तक क्या पहुंचाए? पावर उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, पावर का डिविजन करे। और आया आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बोलूं यही वाला है, कौन सा अमेंडमेंट था? 73rd, और कब हुआ था? 1992। इसने हमारे पंचायत को क्या दिया? एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। और मैंने आपको बताया हुआ है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए, द टर्म पंचायती राज इन इंडिया सिग्निफाइज द सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, हमें कहां तक पहुंचानी है? विलेज लेवल तक। इसके अलावा, इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय द एक्ट्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। देखिए, ग्रास रूट लेवल, ठीक है, आप सभी को पता होगा गांव में क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं, ये उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो किसका डेवलपमेंट होना चाहिए? रूरल डेवलपमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से पार्ट मेंशन है? 73rd है आपका पंचायत, एंड 74th है आपका म्यूनिसिपलिटीज। ये कहाँ पे होगा? रूरल में, और ये आपका होगा अर्बन में, ठीक है। ये आपका कहाँ होगा? अर्बन में। इसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। हम देखेंगे क्या इलेक्शन का प्रोसेस है, कितने साल के लिए बनते हैं, और क्या क्या इनके पास पावर्स होती है, ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं इवोल्यूशन की। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ, लोकल किसी के पास पावर नहीं थी, ठीक है, सिर्फ पावर किसके पास थी? या तो सेंटर के पास या स्टेट के पास। तो सबसे पहले बनाई गई एक बलवंत राय मेहता कमेटी। अब ये आपको कमिटीज पता होनी चाहिए, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज से बिलोंग कर रही है, दैट्स इट। इतना भी आपको पता है तो काफी अच्छी बात है, ठीक है। यस, खुशबू राणा राजस्थान, गुड। अभिषेक सारसा राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों ने, राजस्थान। अब मुझे बताइए कौन से ईयर में ये राजस्थान ने पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया था? राजस्थान सबका सही आंसर है, ठीक है। आप मुझे बताइए कौन से ईयर में राजस्थान ने पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया था, ठीक है। यस, द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन नवंबर 1957 एंड रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, यही टर्म हम स्टार्टिंग से पढ़ते जा रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को एक जगह क्या करना, इकट्ठा करना। जैसे मान लीजिए मैं बोलूंगा कि अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन है मतलब सारी पावर मोदी जी के पास है, मैं बोलूंगा डिसेंट्रलाइजेशन है तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? मोदी जी के पास पावर है सेंटर में,
स्टेट्स में पावर किसके पास है? सीएम के पास है, चीफ मिनिस्टर के पास है, और लोकल लेवल पे पावर किसके पास है? सरपंच के पास है, या प्रधान हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। 1959, गुड। अब डेट भी बता दो मुझे, 2 अक्टूबर, ठीक है। क्या बोला गया इसको? पंचायती राज। ये जो कमेटी बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, इसने थ्री टायर सिस्टम को क्या किया? थ्री टायर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की बात करी। कहाँ? पहला ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत जो होगी वो होगी विलेज लेवल पे। देन अगली पंचायत समिति, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ब्लॉक लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। ये तीनों टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे लोअर लेवल पे ग्राम पंचायत, कुछ ग्राम पंचायत मिलके क्या बनी? पंचायत समिति। ब्लॉक लेवल पे आपने सुना होगा ब्लॉक है, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होती है? जिला परिषद। तो ये होता है आपका थ्री टायर सिस्टम। एक तो देखिए सबसे पहले कौन है? मोदी जी, पीएम, इसके नीचे सीएम, ये है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट के नीचे क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा आपका? जिला परिषद। जिला के नीचे क्या है? ब्लॉक्स है। ब्लॉक्स में क्या होते हैं? पंचायत समिति। और ब्लॉक्स के नीचे क्या है? गांव है, विलेज है, इसमें होते हैं ग्राम पंचायत। क्लियर? चलिए आगे देखिए, लिखा है राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज। राजस्थान वॉज फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश, विच वॉज अडॉप्टेड द सिस्टम, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स अडॉप्टेड द सिस्टम। देखिए कोई भी अभी तक लॉ नहीं बना, कानून नहीं बना, इस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, 1959-60 की। इस टाइम पीरियड पे कोई भी कानून नहीं है। कानून कब बना? कानून बना 1992 में, जब अमेंडमेंट आया, ठीक है, जब अमेंडमेंट आया, जब कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें ऐड हुई, तब जाके क्या बना? कानून बना। इससे पहले हर स्टेट ने अपने अपने अकॉर्डिंग इसको अडॉप्ट किया। जैसे मान लीजिए किसी ने थ्री टायर सिस्टम अडॉप्ट किया, किसी ने टू टायर किया, किसी ने फोर टायर किया। वेस्ट बंगाल है, ठीक है, फोर टायर, तमिलनाडु टू टायर, राजस्थान थ्री टायर। तो सारे स्टेट्स ऐसे थे जिसने अपने अकॉर्डिंग क्या किया? डिसेंट्रलाइजेशन किया। क्लियर? अभी आपको इतना ध्यान रखना है। अगर इस स्लाइड की बात करूं मैं, तो क्या याद रखना है स्लाइड में? बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी? थ्री टायर सिस्टम की। कौन कौन से लेवल पे? सबसे लोअर जो लेवल था वो था आपका ग्राम लेवल, देन ब्लॉक लेवल, और देन डिस्ट्रिक्ट लेवल। और ये याद रखना पड़ेगा आपको कि किस लेवल को क्या बोलते हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। देखिए ग्राम पंचायत, पंचायत से ही शुरू हुआ, फिर पंचायत समिति, और समिति के बाद जिला परिषद। क्लियर? जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, आप सभी को पता होगा ये चीज। जिला मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट, यस। उसके बाद अगली कमेटी बनी अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी आपकी बनी थी आफ्टर इमरजेंसी, ठीक है, जनता गवर्नमेंट जब जीती थी, ठीक है, उस टाइम पीरियड पे क्या बनी? अशोक मेहता कमेटी बनी। देखिए लिखा है, अब इस टाइम पीरियड पे आपको याद होगा 1975 to 1977, दो साल इमरजेंसी का दौर था। इस इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी ने क्या किया? डिक्टेटरशिप दिखाई। जब जनता गवर्नमेंट आई, इंदिरा गांधी हारी रायबरेली सीट से, तो जनता गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे, और इसी में एस्टेब्लिश की गई अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी, देखिए लिखा है, इन दिसंबर 1977 द जनता गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमेटी ऑन पंचायती राज, इसका नाम था अशोक मेहता कमेटी। इन्होंने भी क्या दिया? इन्होंने भी थ्री टायर सिस्टम, ठीक है, इन्होंने बोला कि थ्री टायर सिस्टम को खत्म करके हमें स्टार्ट करना है टू टायर सिस्टम, जो क्वेश्चन आता है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या बोला था कि हमें थ्री टायर सिस्टम करना है, एक विलेज लेवल पे, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और देन आपका ब्लॉक लेवल पे था। इन्होंने बोला कि टू टायर सिस्टम करना है, एक जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एक मंडल पंचायत। दैट्स इट, एक जिला परिषद और एक मंडल पंचायत, ये दोनों टर्म आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ये दोनों कमेटी इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता कमेटी एंड अशोक मेहता कमेटी। अब क्वेश्चन और भी आ सकता है, कुछ और कमेटीज जो बनी, वैसे बहुत सारी कमेटीज बनी है पंचायती राज सिस्टम को लेके, बट कुछ कमिटीज के नाम आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछा गया है, इनमें से कौन सी कमिटी पंचायती राज सिस्टम से बिलोंग नहीं करती, तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि कौन सी करती है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसने थ्री टायर सिस्टम को रिकमेंड किया। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, यस, मोरारजी भाई देसाई उस टाइम पीएम थे, यस, जी वी के राव कमेटी, एल एम सिंह भी, तंगून एंड गडगिल, ये चार नाम और याद रखिएगा। ये फोर डिफरेंट कमिटीज बनाई गई आफ्टर अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। और फाइनली फाइनली क्या हुआ? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब चेंज, और चेंज किस में हो रहा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है। और कौन सा चेंज था? 73rd, कब हुआ? 1992। और हमारे क्या किया गया? एक नया पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 9th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस पार्ट एंटाइटल्ड द पंचायत, इसका नाम क्या था? पंचायत था। क्वेश्चन आया हुआ है काफी बार, पंचायत का कौन सा पार्ट है? पार्ट 9th। क्लियर? यस।
आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ। अब ये आर्टिकल ना अब बोलेंगे सर आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस बार एनडीए के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन था, इस बार एनडीए के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने आपको बोला है एटलीस्ट जितने आर्टिकल्स आपको कराए गए हैं उतने आर्टिकल्स याद कर लीजिए। बेटा आज की क्लास के बाद सिर्फ 3 क्लास और बच गई है पॉलिटी की, पॉलिटी आपकी कंप्लीट है, ठीक है। जितनी जल्दी मैंने पॉलिटी पढ़ाई है अगर आप देखेंगे रिवाइज करेंगे तो आपको 2 या 3 दिन लगेंगे पूरी पॉलिटी करने में, ठीक है। काफी डेप्थ में गया हूं मैं, ऐसा नहीं है कि काफी ऊपर से पढ़ाई है, ठीक है। क्वेश्चंस लगाइएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन लग जाएंगे, क्लियर। चलिए इसके अलावा एक और शेड्यूल जोड़ा गया, 11th शेड्यूल। देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आज के डेट में 12 शेड्यूल्स है, लास्ट चैप्टर हम शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। 8 शेड्यूल्स जो थे वो ओरिजिनल शेड्यूल थे, 9th 10th 11th एंड 12th वो आगे जाके ऐड हुआ, जिसमें 11th शेड्यूल बात करता है पंचायत के बारे में एंड 12th शेड्यूल बात करता है म्यूनिसिपलिटीज के बारे में। शेड्यूल में एक लिस्ट दी है कि जो पंचायत लेवल है उसमें किस लेवल तक का काम होगा। जैसे मान लीजिए पंचायत को काम दे दिया इरीगेशन का, ठीक है, उनके गाँव की रोड बनाने का। अब ऐसा तो नहीं है कि पीएम देखेंगे क्या गाँव में रोड बन रही नहीं बन रही, वो कौन देखेगा, वहां का प्रधान देखेगा, सरपंच देखेगा, ठीक है। सिंचाई व्यवस्था सही है या नहीं है, इरिगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन देखेंगे, बाकी प्रधान देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली रूरल डेवलपमेंट करने के लिए क्या किया गया, 29 फंक्शंस को किसको दे दिया गया, लोकल को, मेनली प्रधान या आपके क्या होते हैं सरपंच कहे जाते हैं, क्लियर। तो आर्टिकल नंबर 243 से लेके 243 ओ, ओ के बाद क्या आता है आपका 243 पी से लेके 243 ZG तक आपका है म्यूनिसिपलिटीज, 243 P से लेके 243 ZG, ठीक है। और देखिए लिखा है इट डील्स विद आर्टिकल नंबर 243 G, NDA प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्या September 2022 क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बच्चे बोल रहे थे सर क्वेश्चन कहाँ से आया, बेटा यहाँ से आया डायरेक्ट नोट्स से, ठीक है, यही क्वेश्चन था और आर्टिकल पूछा हुआ है, ठीक है, जिसने पेपर दिया होगा उसको याद होगा। तो 243 जी किस पे डील कर रहा है, पंचायत पे, तभी बोलता हूँ आपको बेटा नोट्स याद करो, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कहीं से भी बीच में से एक पॉइंट से क्वेश्चन आ जाएगा, क्लियर। और मैंने आपको बताया भी था आर्टिकल नंबर 40 गांधी जी का सपना था कि हम क्या करें सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि एक DPSP का पार्ट था जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था मैंने, क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद कर लीजिएगा कहाँ से कहाँ तक है। पार्ट 9th है, शेड्यूल 11th है, शेड्यूल 11th में एक लिस्ट दी गई है कि विलेज लेवल पे क्या क्या काम होगा और कितने फंक्शन है, 29 फंक्शन, जिसे मान लीजिए इरिगेशन हो सकता है, ठीक है, आंगनवाड़ी आ सकता है, ये तो फंक्शन होते हैं, क्लियर। चलिए आगे देखिए, अब इसके कुछ सैलियंट फीचर्स, सबसे पहला ग्राम सभा, सैलियंट फीचर्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम, ग्राम सभा बेसिकली इट इज अ फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। ग्राम सभा, सभा मींस लोग, ठीक है, सभा मतलब पूरे लोग बैठेंगे और डिसीजन लेंगे। आपने सुना होगा कि आज पंचायत बैठी है, ठीक है, देखिए लिखा है द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ ग्राम सभा एज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। इट इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ पर्संस रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट अ विलेज लेवल, ठीक है। कौन कौन लोग पंचायत सिस्टम में आते हैं या फिर ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम मतलब गांव, सभा मतलब पूरी मीटिंग चल रही है। जो लोग 18 अबव है, बेसिकली जो लोग 18 अबव है, जो लोग वोट डाल सकते हैं, इन सब की क्या है, एक सभा है, बेसिकली ये डिसीजंस लेगी लोकल लेवल पे, ठीक है, या फिर विलेज लेवल पे। कि मान लीजिए पैसा आया गांव में, ठीक है, आज बोलेंगे आज हम ग्राम सभा बैठा रहे हैं, जो सरपंच होगा वो बीच में बैठेंगे, फिर पंच होते हैं, और मान लीजिए जितने भी 18 अबव है वो आके बैठे, ठीक है। मान लीजिए कि आया लाइट्स लगनी है, फिर डिसीजन लिया जाएगा लाइट्स कहाँ का लगनी है, ठीक है, सरपंच बोलेगा पहले तो मेरे घर के पास लगा दो, ठीक है, दूसरा पंचायत ऑफिस के पास लगा देना, या कुछ भी डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। और बेसिकली सजेशन दिए जाएंगे कि आप बताइए क्या सजेशंस है। तो इसमें कौन कौन लोग वोट है, ऐसे लोग हैं इसमें जो लोग वोट डाल सकते हैं 18 अबव है, चाहे मैन चाहे वुमेन, ठीक है, एज अ मैन और वुमेन। दस इट इज अ विलेज असेंबली, इट इज अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स, जितने भी लोग वोटर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए लिखा है इट मे एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एट अ विलेज लेवल एज द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट डिटरमाइन। अब स्टेट, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड है, उत्तराखंड के स्टेट लेजिस्लेचर ने बोला कि ग्राम सभा के पास ये पावर है कि वो डिसाइड कर सकता है कि उनके विलेज में क्या क्या चीजें होनी है, तो ग्राम सभा क्या करेगा, मेजोरिटी में डिसीजन ले लेगा, ठीक है, मेजोरिटी के साथ डिसीजन ले लेगा, क्लियर। अगर 3-tier सिस्टम, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है 3-tier सिस्टम है, क्लियर। हर अब ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लिखा है 3-tier सिस्टम,
क्लियर। एक होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक होगा इंटरमीडिएट लेवल पे और एक होगा आपका विलेज लेवल पे। क्लियर। देखिए, दस द एक्ट ब्रिंग्स अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री। चाहे आप पूरे कंट्री में कहीं भी चले जाइए, ये थ्री टायर सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई स्टेट ऐसा है जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख एक्सीड नहीं कर रही है, तो उसमें आपका इंटरमीडिएट लेवल नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, विलेज लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिए लिखा है, थ्री टायर सिस्टम इन एवरी स्टेट दैट इज पंचायत एट अ विलेज। तो विलेज में क्या होगी, पंचायत, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो थ्री लेवल सिस्टम है, पंचायत, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट। और जहां पे पॉपुलेशन 20 लाख से ऊपर नहीं है, वहां इंटरमीडिएट नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट, दैट्स इट। क्लियर। तो आपको पहली बात ये ध्यान रखनी है, थ्री टायर सिस्टम है, पर वो सिर्फ कहां पे है, जहां पे पॉपुलेशन स्टेट की 20 लाख से एक्सीड कर रही है। क्लियर। इलेक्शंस, इलेक्शंस की बात करी। अच्छा, आपको पता है यहां पे आप मुझे बताइए कि एज कितनी है, आप पंचायत में सरपंच कितनी एज में बन सकते हैं, ठीक है। वोट तो आप सभी को पता होगा, 18 प्लस जो है वोट डाल सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एज क्या है सरपंच बनने के लिए, बताइए मुझे। तब तक आगे देखिए, ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत एट द विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ठीक है। और सारे पंचायत से एक क्या बनता है, चेयरपर्सन बनता है, ठीक है। आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, बस याद रखिएगा सारे लोग वोट डालेंगे गांव के, अगर पंचायत का इलेक्शन है तो। यस, 21, गुड, वेरी गुड ज्योति, 21। अगर आप 21 ईयर्स के हैं तो आप गांव के सरपंच बन सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एजेस 21, ठीक है। रिजर्वेशन की अगर बात की जाए, 1/3 सीट्स रिजर्व्ड है किसके लिए, वुमेन के लिए। आपने देखा होगा गांव में जा रहे हैं, वुमेन सीट आई है, ठीक है, रिजर्व सीट आई है। क्यों रिजर्व सीट आ रही है, क्योंकि 1/3 सीट्स क्या है, रिजर्व्ड है। देखिए लिखा है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन एवरी पंचायत, ठीक है, दैट इज ऑल द थ्री लेवल्स अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन है। फर्दर, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत एट द विलेज और एनी अदर लेवल फॉर SC एंड ST। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। देखिए, तो बेसिकली अगर बात की जाए SC एंड ST की, तो ये है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन है SC एंड ST की, उस अकॉर्डिंग उनके लिए सीट रिजर्व्ड है। इसके अलावा जो वुमेन के लिए है वो कितनी है, 1/3 सीट्स। देखिए लिखा है, 1/3 सीट्स इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू SC एंड ST। अब उसमें वुमेन में जो है वो SC एंड ST की वुमेन भी आएंगी, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा कहीं पे भी आप जाएंगे, SC ST की जो सीट्स है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रिजर्व होती है, याद रखिएगा। बट वुमेन की सीट यहाँ पे 1/3 है। आपने देखा होगा ज्यादातर गांव में जो सरपंच है क्या रहती है, वुमेन रहती है। वुमेन इसलिए रहती है क्योंकि 1/3 सीट्स उनके लिए ही रिजर्व्ड है। क्लियर। चलिए आगे, फिर सेम जो चेयरपर्सन है या जो पंचायत लेवल पे है वुमेन की, उसमें भी सीट्स क्या है, 1/3 रिजर्व्ड है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लोकल लेवल पे हमने वुमेन को प्रमोट किया है, कैसे प्रमोट किया है, 1/3 सीट रिजर्व करके उनके लिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, SC ST की अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जितनी उनकी पॉपुलेशन है, और वुमेन की फिक्स्ड है 1/3। ड्यूरेशन 5 ईयर्स, ऑब्वियस बात है, ठीक है, कितना होता है, 5 ईयर्स। अच्छा, इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है, तो इलेक्शन कंडक्ट करेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेंटर एंड स्टेट। स्टेट में मान लीजिए आपके MLAs जो होते हैं, MLAs, और यहाँ पे आपके कौन होते हैं, MPs, इनके इलेक्शंस कंडक्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बट स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके करेगा, पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज के, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो बेसिकली एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है जो कि पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज के इलेक्शंस कंडक्ट करे, और मिनिमम एज देखिए लिखा है 21 ईयर्स, ठीक है। कोई डाउट, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत इजीली याद हो जाएगा। यस, म्यूनिसिपलिटीज, म्यूनिसिपलिटीज इज ऑल्सो नोन एज अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अर्बन शहर के लिए, ठीक है। सबसे पहले अगर बात की जाए, म्यूनिसिपलिटी बनी थी 1688 में मद्रास में, ठीक है। देखिए लिखा है, सबसे पहली म्यूनिसिपलिटी बनी थी 1688 में मद्रास में, ये आपको पॉइंट ध्यान रखिएगा। जैसे आपने पंचायत देखा ना, बिल्कुल सेम है, ठीक है, जैसे आपने पंचायत देखा वैसे ही सेम है आपका, ठीक है। पार्ट वहां पे था नाइन्थ था पंचायत का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9A, ये किसका हो जाएगा, म्यूनिसिपलिटी का। शेड्यूल कौन सा था, 11th शेड्यूल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12th शेड्यूल,
दैट्स इट. आर्टिकल क्या थे 243 से लेके 243 ओ, यहाँ पे हो जाएंगे 243 पी से लेके 243 ZG. ठीक है, देखिए लिखा है इसमें कितने फंक्शन है, 18 फंक्शन, वहां पे था 29 फंक्शन. ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा शहर में जो है थोड़ा काम कम है गाँव से, गाँव में क्या है इरीगेशन है, ठीक है, या बहुत सारी चीजें हैं, बट शहर में ये सारी चीजें नहीं होती है जनरली. क्लियर, तो यहाँ पे कितने फंक्शन है, 18 फंक्शन दिए गए हैं. 12th शेड्यूल है, आर्टिकल्स याद कर लीजिएगा 243 से लेके 243 ZG तक. ठीक है, दैट्स इट, इतना आप याद कर लेंगे आपके लिए सफिशियंट है. क्लियर, चलिए आगे देखिए. सेम थ्री लेवल, कौन कौन से, नगर पंचायत, बात है ग्राम पंचायत, यह है नगर पंचायत. तो ग्राम मीन्स विलेज, नगर मीन्स शहर. ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसिल होती है स्मॉल अर्बन एरिया के लिए, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है जो बड़े अर्बन एरिया है. ठीक है, तो तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. क्लियर. सेम रिजर्वेशन, एससी एसटी के लिए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, वुमेन के लिए 1/3, मिनिमम एज 21, बिल्कुल सेम. ठीक है, देखिए लिखा है वुमेन के लिए कितना होगा 1/3. ठीक है, वुमेन के लिए 1/3 और एससी एसटी के लिए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, सेम चीजें हैं, रिपीट होंगी. क्लियर, टर्म कितना होगा 5 ईयर, टर्म कितना होगा 5 ईयर, और मिनिमम एज कितनी होगी 21 ईयर्स. दैट्स इट, इतना ही है आपका. आपको मोटा मोटा क्या रखना है, कौन सा शेड्यूल है, आर्टिकल नंबर कौन से हैं, ठीक है, इसके अलावा पार्ट कौन सा है, और इसके अलावा आपको याद रखना है कि कौन सा अमेंडमेंट है, कितने टायर सिस्टम है, और पॉपुलेशन का मैंने आपको बता ही दिया. ठीक है, क्लियर, कोई डाउट. अभिषेक सरस्वत 21 म्यूनिसिपलिटीज 240. ठीक है, और किसी कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए डाउट आपको, सिर्फ आपकी इसके बाद 3 क्लासेस बच गई है पॉलिटी की. ठीक है, तो मेरा सजेशन रहेगा जितनी जल्दी आप याद करना स्टार्ट कर दे उतना आपके लिए बेटर है. ठीक है, ये पूरी पॉलिटी वाइंड अप हो गई है आपकी. अगला सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है आप मुझे बताइएगा, उस अकॉर्डिंग मैं चलाऊंगा उसको. ठीक है, क्लियर, इतना सबको क्लियर होना चाहिए. देखिए मैं बहुत जल्दी चल रहा हूँ, सब कुछ आपके सामने है, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए. जितना जल्दी आप इसे कर लेंगे और जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना आपके लिए सफिशियंट है बेटा. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखिएगा, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे. ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड टेक केयर. क्या हो गया?